और ग्रेजुएशन आपके शो के लिए काफी कमबैक किया है और नए शो बड़ा शो नंबर वन शो से शुरुआत हो रही है, क्या कहना चाहोगे? I am grateful to God, very happy to be on the show and very happy to come back on television with such a big show, such a cult show, the number one show. Of course, मुझे हमेशा से ऐसा ही comeback करना था. वही reason था कि मैं थोड़ा सा choosy हो रहा था कि मुझे कौन सा show करना है कौन सा नहीं करना है. ऐसा नहीं है कि offers नहीं थे, offers थे भी और कई जगह पे ऐसा भी था कि कई show करने थे लेकिन you know it couldn't work out. बट आई एम वेरी वेरी हैप्पी, जो भी हुआ जैसे भी हुआ है जैसे भी स्टार्ट हुई है वो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम कमिंग बैक ऑन स्क्रीन विद अनुपमा एंड विद दिस स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर. सो या जस्ट ग्रैटिट्यूड टू द ऑलमाइटी. सर आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहो कि सर कैरेक्टर होने वाला है शो के अंदर, थोड़ा कुछ अगर आप बता सकें. कमाल का कैरेक्टर है, मुझसे बिल्कुल डिफरेंट है. डिफरेंट इस मामले में है कि जिस तरह की लैंग्वेज वो यूज़ करता है. सो बेसिकली ही इज़ अ वेरी लोकल बॉम्बे का लड़का है जिसने इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, रील्स पे बहुत मेहनत करके एक इन्फ्लुएंसिंग यू नो सोशल मीडिया स्टार बन चुका है. वो एक इन्फ्लुएंसर है जिसके पीछे दुनिया पागल है एंड इज़ अ डांसिंग स्टार. बहुत फैंस हैं और सब कुछ है लेकिन उसकी जो शुरुआत है वो बहुत स्ट्रगल से हुई है. वो एक बस्ती से आया है जहाँ पे उसने रेस्टोरेंट में बर्तन धोए हैं, न्यूज़पेपर बांटे हैं, यू नो बहुत बहुत लोगों की गालियाँ खाए हैं, ताने मारते थे लोग उसको. वो सब करते हुए वो आगे निकला है. आज भले उसके पास पैसा है लेकिन वो आज भी जबान जो है ना उसकी वो बिल्कुल वो बच्ची बंटा या अपन भाई लोग ये वो ऐसी वाली ही है. वो तो वो शो में एक बहुत ही फ्रेश एलिमेंट है क्योंकि अनुपमा की फैमिली पूरी गुजराती फैमिली है और बहुत ही अलग तहजीब से बात करते हैं जहाँ पे ये एक आता है जिसकी कोई तहजीब है नहीं. बिंदास खुला हुआ लड़का है, मस्त है, बिंदास है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, फिल्टर्स नहीं लगाता है. अनुपमा की बहुत इज्जत करता है, बहुत प्यार करता है. कहीं ना कहीं अनुपमा को आफ्टर लूजिंग हर सन इससे एक अटैचमेंट आने लगा है. यू नो कहीं ना कहीं एक बेटे की तरह वो भी इसको प्यार देने लगी हैं. सो कमाल का एक ट्रैक लिखा गया है, एक बॉन्ड बनाया गया है और वो प्ले करने में बहुत मज़ा आ रहा है. जब आपको ये आया था राजन सर की तरफ से या उनके प्रोडक्शन की तरफ से आपको ये ऑफर आया था, व्हाट वाज योर रिएक्शन? क्या करना है, नहीं करना है? आपने ये स्क्रिप्ट सुनी, क्या थोड़ा सा अगर मुझे ना ऑनेस्टली ये जो ऑफर आया था ना ये ओवरनाइट आया था तो मेरे पास इतना समय नहीं मिला मुझे कि मैं कि मेरे पास एक ऑफर आया है, स्क्रिप्ट आई है, मैं उसको समझूंगा कैरेक्टर. नहीं, मुझे रात को फ़ोन आया कि कुंवर वी नीड यू टुमारो, आर यू फ्री? आई एम लाइक फ्री फॉर व्हाट? एंड देन दे सेड अनुपमा है उसमें, ये है, ऐसा ऐसा एंट्री करना है. एंड आई एम लाइक अरे अरे स्लो डाउन, हाउ कैन आई जस्ट से यस? लाइक नो, कम टू द स्टूडियो. यू वॉन्ट बिलीव, 7 बजे कॉल आया है, 8:30 बजे मैं स्टूडियो पहुँच गया हूँ. मुझे स्क्रिप्ट दी गई है, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी है, द क्रिएटिव वॉज देयर, शी वॉज सो हेल्पफुल. हमने ऑडिशन किया है, 10:11 बज गई एंड देन देर लाइक ओके लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट. एंड आई एम लाइक व्हाट, दिस इज टू फास्ट, यू नो स्पेशली टू अ शो लाइक अनुपमा, दिस इज टू फास्ट. बट दे वर सो नाइस टू मी, दे मेड श्योर दैट आई एम कम्फर्टेबल, दे गेव मी अ ग्रैंड एंट्री इन द शो. इतना बड़ा शो जिसमें इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, रूपाली गांगुली इतनी बड़ी हैं, अनुपमा अपने आप में इतना बड़ा एक कैरेक्टर है, वहाँ पे एक नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना, उसे इतनी अच्छी एंट्री देना, उसे उतना इंपॉर्टेंस दिखाना शो में वॉज अ ग्रेट थिंग. सो मेरे लिए ये सब चीज़ें बहुत ही ओवरवेलमिंग थी. उन पर रिएक्ट करने का टाइम मुझे इतना मिला नहीं क्योंकि मैं डायरेक्टली ऑडिशन दिया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, शूट चालू हो गया है, शूट में एकदम डांस करना है, ग्रैंड एंट्री करनी है, तो सब कुछ बहुत पेस में हुआ है. बट आई एम जस्ट ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट हैड हैपेंड क्योंकि वो कहते हैं ना ऊपर वाले का जो वे है ना वो अलग है ना, वो हम कभी गेस कर पाएंगे और ना कभी समझ पाएंगे. तो आई एम जस्ट ग्रेटफुल. इट वॉज अ ब्यूटिफुल स्टार्ट. मेरा एंट्री होने के बाद में माई फर्स्ट सीन वॉज विथ रूपाली गांगुली. बहुत ही क्यूट सा सीन लिखा गया था लेकिन इट वॉज बिटवीन मी एंड हर, तो मेरे लिए थोड़ा सा एक यू नो नर्वसनेस थी कि यार इतनी बड़ी आर्टिस्ट है, इतनी अच्छी एक्टर हैं, इस कैरेक्टर का एक एंट्री हो रहा है, यू नो देर हैज़ टू बी अ नाइस बॉन्ड. तो हमने रिहर्सल करी और मैं मिला उनसे, शी इज़ स्वीट एज अ पर्सन. बट जब हमने एक्ट करना चालू किया, हमने यू नो खेलना चालू किया थोड़ा थोड़ा उसके साथ में, और उसके बाद इतना मज़ा आने लगा, आई सॉ अ स्माइल ऑन हर फेस
विच गेव मी सो मच वार्म्थ एंड कॉन्फिडेंस. एंड देन शी केम एंड शी शेयर, यू नो व्हाट, तू बहुत अच्छा कर रहा है, बस ऐसे ही कर बेटा. एंड देन शी गेव मी फ्यू एलिमेंट्स की, यू नो, तेरे कैरेक्टर में तो ऐसी चीज़ें भी डाल सकता है, ऐसे शब्द यूज़ कर सकता है, विच वॉज सो नाइस. कि एक सीनियर एक्टर जिसका ये शो है, जो मेन लीड प्ले कर रहा है, वो आ करके ना सिर्फ आपको वेलकम कर रहा है, वार्म्थ दे रहा है, बट आपको गाइड भी कर रहा है. सो मेरे लिए ना सब कुछ बहुत स्मूथ हो गया अचानक से. एक घंटे के अंदर हम लोग इतना हंस रहे थे. आई रिमेंबर देयर वाज अ शॉट जहाँ पर मुझे बोलना था आई लव खीर, क्योंकि इस कैरेक्टर को खीर बहुत पसंद है और वो अनुपमा ने बनाई होती है. तो वो फ्लो में आई लव खीर की जगह मैंने बोलते आई जवली खीर. एंड ओ माई गॉड, वी ऑल बस इज टू लाफिंग. हम सब इतना हंस रहे थे. द डायरेक्टर से कट 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 कट, क्या बोल रहा है कुमार, तुझे पता है तू क्या बोल रहा है? आई सेड सर फ्लो में निकल गया. एंड दैट वॉज अ आइस ब्रेकिंग मोमेंट फॉर एवरी वन. अपार्ट फ्रॉम दैट, एवरी अदर कास्ट एंड क्रू इज सो स्वीट. हमारा एक डांस सीक्वेंस था, एवरी वन वेलकम मी, मेट मी. पहले ही दिन जोक, मस्ती, हंसी मजाक सब शुरू हो गया. ऐसा लगा कि मैं सबको जानता ही हूँ, सब मेरे अपने ही. किसी ने मुझे ऐसी फीलिंग नहीं दी कि यू नो ये हमारा शो है, हम सीनियर एक्टर्स हैं एंड ऑल दैट. एवरी वन वॉज ब्यूटिफुल. एंड बाबू जी इज़ जस्ट, आई एम इन लव विथ हिम ऑल्सो. मतलब वो इतने पॉजिटिव है ना, आते हैं सेट पे, हमेशा हंसते रहते हैं, मुझे ब्लेस करते हैं. सो दैट्स द इंटायर सेट इज़ ब्यूटिफुल. दिवाली आने वाली है, कल से दिवाली की शुरुआत हो चुकी है, तो किस तरह की तैयारी की है कुछ, अगर आप प्लान्स अगर आप बता दें. मैं दिवाली, मेरे लिए ना हमेशा फैमिली है. मैं बिना फैमिली के ना दिवाली एंजॉय नहीं कर सकता. तो मैं बहुत रिक्वेस्ट करके 2 दिन की छुट्टी ली है, क्योंकि नया नया शो है तो छुट्टी भी नहीं मिलती है. तो मैं घर जा रहा हूँ, और मेरा घर जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सालों के बाद मेरे पेरेंट्स भी मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, यू नो, एक शो पर देख रहे हैं, इतने बड़े शो, कल्ट शो पर देख रहे हैं, एक इतना अच्छा रोल प्ले करते हुए. तो उन लोगों ने भी, उनके भी बहुत खुशी है. तो आई जस्ट वॉन्ट टू गो एंड सी देयर फेसेस, देयर स्माइलिंग फेसेस आफ्टर सो मेनी ईयर्स. एंड आई वॉन्ट टू हग देम, आई वॉन्ट टू टेक देयर ब्लेसिंग एंड कम बैक एंड वर्क विथ मोर एनर्जी. तो मैं बस घर जाना चाहता हूँ, ये जो खुशी एक है वो शेयर करना चाहता हूँ, उनकी ब्लेसिंग लेना चाहता हूँ और उनके साथ ही इन्जॉय करना चाहता हूँ. ओके, शो की अगर हम बात करें, रिसेंटली आपके शो को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया लोकल फॉर वोकल, क्या कहना चाहोगे? सच अ ब्यूटीफुल दिखाया गया उसके अंदर. यस यस यस, लोकल लोगों से खरीदा जाए, क्या कहना चाहेंगे? इट वाज अ ब्यूटीफुल इनिशिएटिव फर्स्ट ऑफ ऑल. मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो ये इनिशिएटिव लिया है, दैट्स कमाल का है पहले. और सबसे बड़ी बात कि अनुपमा फ्रॉम द एंटायर टेलीविजन वर्ल्ड, अनुपमा शो को पिक किया गया टू डू दिस. रूपाली गांगुली हैज़ डन सच अ फैंटास्टिक जॉब, और उसमें बाकी लोगों ने भी इतना अच्छा काम किया, उसको इतने लोगों ने रीपोस्ट किया है. मैंने देखा राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, सब ने उसको स्टोरी पर डाला है. सो दैट्स कमेंडेबल एंड आई वॉज सो हैप्पी टू सी. और ये आपको और महसूस कराता है कि जहाँ आप गए हो, जिस शो में आपकी एंट्री हुई है, वॉट इज़ द पोजिशन ऑफ दैट शो. कि किसी और शो की उतनी जगह नहीं है जितनी इस शो की जगह है. तो दैट गेव मी मोर एंड मोर नाइस फीलिंग्स अबाउट डूइंग दिस शो. एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर द शो कि नरेंद्र मोदी जी ने खुद पोस्ट किया. आई थिंक इट्स कमेंडेबल. ओके सर.